हेलो एवरीवन, आपका मेरे चैनल प्लांट ऑन टेरेस में स्वागत है। आज मैं आपको अपने घर के बैकयार्ड या एरिया के बारे में बताऊंगी। ये देखिए, ये मेरा घर का पीछे का वो हिस्सा है, इसमें मैंने कुछ प्लांट्स लगाए हैं, आप देख सकते हैं। ये डबल पेटल वाले चांदनी का प्लांट्स है, ये देखिए, इसे मैंने कटिंग से ही तैयार किया है, आप देख रहे हैं। इसमें ये चांदनी का प्लांट है, ये भी एक चांदनी का ही प्लांट है, मैंने इसी प्लांट की कटिंग से इसे तैयार किया है। देखिए, इसे मैंने बड़े वाले सीमेंट पॉट में लगाया है, इसी की कटिंग मैंने इसमें ग्रो की है। इसकी कोई भी कटिंग तैयार हो जाती है, आप अभी मानसून के सीजन में इसकी कोई ब्रांचेस कट करके आप लगा देंगे, जैसे मैंने ये लगाया हुआ है। ये देखिए, एक मैंने ये लगा हुआ, ये ब्रांच में टूट गई थी तो मैंने इसे ही इसी में ही इसे डाल दिया। एक ये न्यू वाली ब्रांच है, आप इसे कटिंग से इजीली ग्रो कर सकते हैं, ये बहुत जल्दी लग जाता है। इसके बाद देखिए, मैंने इसे ये एक एरिका पाम का प्लांट है, ये बहुत बड़ा हो गया है, मैंने इसे भी एक पॉट में ही लगाया हुआ है। इसमें ये वाइट अपराजिता का प्लांट निकला हुआ है, और ये एक पेरिविंकल सदाबहार का ये प्लांट है, इसी में लगाया हुआ है। ये मेरा एक डबल पेटल वाला हिबिस्कस प्लांट है, ये सिंगल पेटल का हाइब्रिड हिबिस्कस प्लांट है, मैंने ये इसे भी पॉट में ही लगाया हुआ है। आप इसकी साइज देख सकते हैं कितना बड़ा है ये। इस एरिया में मैंने इसे एक लेमन का प्लांट लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें कितने सारे लेमन हैं, मैंने इसे भी पॉट में ही लगाया हुआ है। इसे मैं दूर से दिखाती हूँ, देखिए इसमें कितने सारे छोटे छोटे लेमन हैं। एक ये है, देखिए इसमें मैं ऑर्गेनिक जो घर का खाद होता है, घर पे बना हुआ, चाहे वो बनाना पील का खाद हो, मैं इसे में कोई भी केमिकल खाद यूज़ नहीं करती हूँ। इसकी सॉइल को एसिडिक सॉइल बनाने के लिए मैं लेमन का जो छिलका बच जाता है उसे पानी में
दो तीन दिन के लिए रख के उसका पानी यूज़ करती हूँ। और केले के छिलके को भी पानी में डालकर उसका पानी इसमें खाद के रूप में यूज़ करती हूँ। और इसमें किचन वेस्ट से जो कंपोस्ट बनाती हूँ वही यूज़ करती हूँ मैं। आप इसमें देख रहे हैं कितने सारे लेमन निकले हुए हैं। और ये मेरा एक कस्टर्ड एप्पल का प्लांट है जिसे सीताफल भी कहते हैं। आप देख रहे हैं इसमें एक यहाँ पे ये प्लांट निकला हुआ है। ये भी एक कंटेनर में ही लगा हुआ है। इसमें अभी भी बहुत छोटे छोटे फ्रूट निकल रहे हैं। इस प्लांट में अभी फ्लावरिंग भी इसकी हो रही है। इसके बाद मैं आपको अपना गुआवा का प्लांट दिखाती हूँ। ये मेरा इस हिस्से में एक थोड़ा सा मिट्टी का जो हिस्सा है मैंने उसमें लगाया है। ये बहुत बड़ा प्लांट हो गया है। ये बहुत ऊपर तक चला गया है। इसमें बहुत सारे फ्रूट्स लगे हुए हैं। और इसी के साइड में एक हिबिस्कस का प्लांट लगा हुआ है। ये एक करी पत्ता का प्लांट है। यहाँ पे देखिए ये बहुत नीचे वाले हिस्से में भी एक फ्रूट निकला हुआ है। यहीं पे मैंने एक कनेर का प्लांट भी लगाया हुआ है। ये मेरा हिबिस्कस का प्लांट है जो बहुत बड़ा हो गया है। इस एरिया में मैंने तो दो चिली के प्लांट लगाए हैं, ग्रीन चिली के। आप देख रहे हैं इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है। और यहाँ पे जमीन पे ही ये मनी प्लांट लगा हुआ है। जमीन पे लगाने से इसकी पत्तियां बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं। आप देख रहे हैं ये भी एक डबल पेटल की चांदनी की कटिंग मैंने लगाई हुई है। इस एरिया में मैं अपना किचन वेस्ट जो डालती हूँ उससे कंपोस्ट तैयार करती हूँ। देखिए इसमें वर्म्स भी दिखाई देंगे, जो अर्थ वर्म होते हैं वो कंपोस्ट बनाने में बहुत हेल्प करते हैं, जो प्लांट के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं अपने जितने भी प्लांट्स हैं उसमें इन्हीं खाद का
जो किचन ग्रेट से मैं बनाती हूँ वही यूज़ करती हूँ। ये मिट्टी में 2-3 महीने में ही तैयार हो जाते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको। थैंक यू।